हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो का थर्ड पार्ट बताने जा रही हूँ और इसमें हम ये जंप सूट का फ्रंट पार्ट बनाएंगे और इसको जहाँ तक हम बटन स्ट्रिप बनाएंगे वहाँ तक हम इसको दो पार्ट्स में बनाएंगे। एक पार्ट जिसमें बटन लगाएंगे और दूसरा पार्ट जिसमें बटन होल बने हुए हैं। तो यहाँ तक जैसे ये बटन स्ट्रिप है तो यहाँ तक हमने इसको दो पार्ट्स में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ये 16 फंदे छोड़े हुए हैं मैंने, तो इसको हम एक एक करके इस तरह से यहाँ पे नीडल्स में लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये 16 फंदे हमने लगा लिए है और जिस साइड से ये प्लेन है वहाँ से हम इसको प्लेन बनाएंगे और जो बाजू की साइड है जैसे यहाँ से ये ऐसी जाली बनानी है तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और इस साइड से हम प्लेन बनाएंगे। तो यहाँ से ये बाजू है, इस साइड से हम प्लेन बनाएंगे इसको। इस बाजू की साइड से हम इसमें जाली बनाएंगे। यहाँ से एक फंदा हमने आगे कर लिया इस तरह से और जो खाली नीडल थी उसको हमने आगे कर लिया। कैरिज की सेटिंग भी इस तरह से हमने कर ली है और फिर हम दो सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, 2, दो सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे जाली बना के, फिर से दो सिलाइयाँ लगाएं। 1, 2, इसी मेथड को रिपीट करते हुए हम 14 जाली बना लेंगे इसमें, जैसे कि हमने बाजू और फ्रंट पार्ट ने से बैक पार्ट में बनाए थे वैसे ही हम इसमें भी बना लेंगे 14 जालियाँ। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्लेन लास्ट है फंदे का उस साइड हमें कोई जाली नहीं बनानी है और जो बाजू की साइड है वहाँ पे हमें एक एक जाली बनाते हुए इसमें बना लेना है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ से इतना हमने बना लिया पर ये इतना एक्स्ट्रा, तो अब हम बिना कोई जाली बनाए हुए प्लेन बना लेंगे इस तरह से। मैंने इसमें 34 सिलाइयाँ लगाई हुई है, 10 नंबर पे बनाया हुआ है और ये 3-ply वाली वूल है। अब इसमें हम वेस्ट धागा लगा लेंगे इस तरह से और इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। उस फ़र्क इसमें इतना होगा कि जो अब हम सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हम बटन स्ट्रिप बटन होल बनाएंगे, तो उसमें हमें ये चेंज करना है सिर्फ। जैसे ये वाला पार्ट हमने बना लिया है यहाँ तक और दूसरे पार्ट को भी हम यहीं तक बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाने हैं, बस इसमें बटन होल बनाने हैं। जैसे ये है, दोनों पार्ट्स यहाँ से सेम बने हुए हैं यहाँ तक, बस इसमें चेंज इतना है कि बटन होल बनाने हैं। तो उसको इस तरह से हम 16 यहाँ से 0 से 3 नीडल आगे करेंगे क्योंकि हमारे जो इसमें 57 फंदे हुए थे हमारे बैक पार्ट में और इसमें 53 फंदे हुए थे हमारे बैक पार्ट में और जो फ्रंट पार्ट है उसमें 67 फंदे एक्स्ट्रा है हमारे, तो मैं 0 से 3 एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि जब मैं दूसरा पार्ट भी इसमें कनेक्ट करूँ तो मुझे फंदे जो काउंट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से मैंने ये लगा लिया है। अब इसमें भी जो आर्म की साइड है उसी साइड से हम फंदे इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, दूसरे लास्ट साइड में नहीं करेंगे। और अब हम दो सिलाइयाँ लगाएंगे। वन, टू, फिर एक फंदा नीडल आगे करेंगे और फिर दो सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से, फिर एक नीडल आगे करेंगे और दो सिलाइयाँ लगाएंगे।
और यहाँ पे जैसे बटन होल बनाया हुआ है, तो मैं 8 सिलाई के बाद बटन होल बना रही हूँ। आपको जितना गैप रखना है उतना आप रख सकते हो। इस तरह से जैसे यहाँ पे बटन होल के बाद हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई है, 8 to 10। इस तरह से यहाँ पे बटन होल बना हुआ है, तो यहाँ तक हमें इसको यहाँ पे बटन होल बना लेंगे। 3 नीडल छोड़ेंगे पहले के और इस तरह से एक नीडल को खाली कर लेंगे। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर से हम ये नीडल आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। नीडल को आगे ट्रांसफ़र करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है जो खाली नीडल है उसको हमें आगे रखना है ताकि जाली बन के हमारा जो फंदा है एक इंक्रीज़ हो जाए। और इसी तरह से हम फंदे इंक्रीज़ करते हुए बनाते जाएंगे। इस तरह से ये बटन होल बना के हम इसको 28 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ मैं। इसकी जो जितनी लेंथ थी उतना, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। इस तरह से अब ये फंदे इंक्रीज हो गए हैं। अब हमें इसमें बटन होल भी नहीं बनाने हैं। और ये हमारा जो हमने बैक फर्स्ट पार्ट बनाया था इसका इतना बना लिया, दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हो गए हैं। ये फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स, लेफ्ट और राइट साइड का पार्ट। अब इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से जैसे हमने 7 नीडल एक्स्ट्रा है तो इसको हम 7 के ऊपर इस तरह से कर लेंगे। ये हमारी 4 और 3 7 नीडल है, तो यहाँ से हम एक दूसरे के नीडल जिसमें उसी नीडल में फंदा डालेंगे जिसमें पहले से ही फंदा बन डला हुआ है, जिससे ये बटन स्ट्रिप बन जाएगी। इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से ही हमने लगा लिया है फंदे। अब बाद वाले जो फंदे हैं, ताकि हमारे 53 फंदे ही इसमें बचे, 60 थे, 60 में से जो 7 थे वो हमने लेस कर लिए हैं। और अब ये इस तरह से आगे इनको भी हम लगा के इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से ये दोनों पार्ट लग गए हैं। अब हम इसमें हुकर वेट लगा लेते हैं और जो वेस्ट था गया उसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे, जितना हमने बैक पार्ट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम बना लेंगे, फ्रंट पार्ट को भी। इस तरह से जितनी लेंथ हमें चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है, 10.5 इंच। बैक पार्ट भी हमने इतना ही बनाया था। वेट हटाने के बाद हमें लेंथ इसकी मेज़रमेंट करना होगा कि जितनी लेंथ हमारी एक पार्ट की होगी दूसरे पार्ट की लेंथ भी हम वही रखेंगे। और 0 में से हमने नीडल आगे कर लिया इस तरह से। ज़ीरो वाले नीडल को हम खाली कर लेंगे और एक साइड की नीडल आगे कर लेंगे और दूसरे साइड के पीछे रखेंगे। और इसको हम 2 नंबर पे सेट करेंगे ताकि पीछे वाले नीडल बने, जो आगे है वो ना बने। और इस तरह से हम दो थोड़ा सा बना लेते हैं, 2.5 या 3 इंच के करीब हम इसको बना लेंगे। ट्वेंटी सेवन नीडल है हमारी। इस तरह से जितनी मुझे चाहिए थी उतना बना लिया है। अब हम इसमें 3-3 नीडल का गैप देंगे बीच में, इस तरह से जैसे हमने फ्रंट पार्ट और बाजू में किया था, सॉरी बैक पार्ट में किया था।
इस तरह से थ्री रोज हम खोल के इसको बना लेंगे। ये हम इसीलिए बनाते हैं, इस बूंद में तो हम अगर इसको ना भी बनाएं तो भी ये फोल्ड नहीं होता है, मुड़ता नहीं है। इस तरह से बना के अब हम इसको बंद कर लेंगे, पूरे फंदे जो है वो एक साथ बंद कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े हम आगे कर लेते हैं। और पहले हमने फर्स्ट नीडल से लिया, फिर सेकंड नीडल, फर्स्ट नीडल को फिर हम दोनों का एक बना लेंगे। इस तरह से जब लास्ट रूल में दो फंदे होंगे तो उन दोनों का एक बना लेंगे। और इसी तरह से हम इसको बंद करके ये हमारा एक पैर का जो है वो तैयार हो गया है। इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब दूसरे को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से इसको हमें प्लेन प्लेन बनाना है। इसमें मैं 23 सिलाइयाँ लगा रही हूँ, जिसमें ये 2.5 इंच का बन के तैयार आता है। अगर आप इससे ज़्यादा लेंथ रखना चाहते हो इसमें तो इसको आप थोड़ा और बना सकते हैं। ये वूल के अकॉर्डिंग होता है, अगर आप वूल मोटी यूज़ कर रहे हो तो इसमें कम रोज लगेंगे, और पतली वूल यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा फंदे भी ज़्यादा डालने पड़ेंगे और सिलाइयाँ भी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। इस तरह से बंद करने के लिए हमने सारे नीडल्स को आगे कर लिया, और एक एक करके इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। इसी तरह से पूरा बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। तो ये हमारा जंप सूट जो है वो तैयार हो गया। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग आप चाहो तो उसके जाली वाला जो है वो तो हमें यहाँ आर्म से जो जोड़ना है शोल्डर तक, तो उसको हम नीडल से ही जोड़ेंगे। और नीचे आप चाहो तो मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, निटिंग जो स्विंग मशीन से। तो इसमें इस तरह से जैसे ये जाली है तो इस जाली को हम इस तरह से एक साथ अटैच करके सिल लेंगे इस तरह से, जिससे इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आती है। वैसे इसमें जो वूल है इसमें जाली दिखती नहीं है, जब हम दोनों जालियों को एक साथ सिल देते हैं तो इसमें अच्छे से दिखने लग जाती है, जो कि सुंदर भी लगती है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट और एक बाजू को साथ में जोड़ लिया है। इसी तरह से हम इसके यहाँ से दूसरे पार्ट जो तीन पार्ट बचे हुए उनको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। इस तरह से ये चारों पार्ट हमने इसी तरह से सिल लिया। आप यहाँ से हम इसको नीडल से सिल लेंगे या आप स्विंग मशीन से भी सिल सकते हैं। यहाँ से इस तरह से सबसे पहले इसके एंड जो है उनको हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, और फिर इस तरह से इसको अच्छे से होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और फिर इस तरह से अगर आप मशीन से सिलना चाहते हो तो उसमें इस तरह से आप टांके लगा सकते हैं, उसके बाद मशीन से सिल सकते हैं, नहीं तो आप नीडल से भी अच्छे से सिल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अच्छे से इसको सिक्योर करके हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमने इसका एक पार्ट सिल दिया, दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। पहले इसका एंड जो है हमने अच्छे से सिक्योर कर लिया, और फिर इसको हम इसी तरह से सिल लेंगे।
इसको हम यहाँ से सिल के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ इस तरह से ये हमारा जंपसूट सिल के तैयार हो गया है। और यहाँ पर हम इसमें बटन लगा लेंगे, 4 बटन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।